अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तांडी सोपिया कुकिंग शो। उम्मीद है सब खैरियत हूंदा। मज़ेदार रेसिपीज हमेशा वांगुरु खणी ईंदा आहियूं। सियारो अची रहियो आहे त विंटर जे हिसाब सां काफ़ी सारा मज़ेदार खाधा तव्हांखे ठाहिणु सेखारियां पियो। पूरो महीनो थी वियो आहे, तमामु सुठी रेसिपीज़ आहिनि, तव्हांजी फरमाइशूं बि आहिनि। त अॼु बि तव्हांजी ॿ फरमाइशूं पूरी कयां पियो। हिकु आहिनि चाइनीज़ राइस, चाइनीज़ चांवर जेके काफ़ी जी फरमाइश आहे पई, इहे ठाहिणु सेखारियां पियो चिकन सां गॾु। ठीकु, चिकन ऐं बेदा वेंदा। ॿी रेसिपी असां ठाहियूं पियो, गजरनि जो सीज़न आहे त गजरेला, शाही गजरेला यानी गजरनि जी खीरणी, ॾाढी मज़ेदार ठहंदी। ॿई रेसिपी सुभाणे 9 बजे रिपीट हलंदियूं। स्क्रीन ते नंबर हले पियो, का बि फरमाइश करणी हुजे, कुझु बि पुछणो हुजे पुछी सघो था। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया है तो उस हिसाब से एक महीने से आपको बहुत सारी वैरायटी बनाना सिखाई, आप लोग की फरमाइशें भी साथ साथ पूरी करते जा रहे हैं। तो आज जो मैं बना रहा हूँ वो हम बना रहे हैं गजरेला, गजरेला गाजर की खीर है, शाही गजरेला बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार। इसकी फरमाइश थी और जिनकी फरमाइश थी प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। साथ ही हम बना रहे हैं चाइनीज़ राइस यानी चिकन फ्राइड राइस, इसकी भी फरमाइश आई थी। तो दोनों रेसिपीज़ आज बहुत ही मज़ेदार बन रही हैं। कल सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, कोई भी फरमाइश करनी हो आप कर सकते हैं और रेसिपी करते हैं स्टार्ट। अच्छा, सभिनी का पहिरीं मां ही ॿुधाए छॾां कि चांवर जेके असां चाइनीज़ में इस्तेमालु कंदा आहियूं उहे असां बॉयल चांवर इस्तेमालु कंदा आहियूं ऐं वधीक बॉयल न हुजनि, 80% बॉयल हुजनि, 20% सख़्तु हुजनि, हिकु कणी चइबो आहे जंहिंखे। ऐं इहे थधा आहिनि सफ़ा चांवर, तव्हां हिते ॾिसी सघो था सफ़ा थधा चांवर आहिनि। 6 कलाक घटि में घटि रखो न त पखे जे हेठि, ताकी हिन में नमी न हुजे, नमी हूंदी पाणी हूंदो त चांवर चाइनीज़ जा ख़राबु थी वेंदा। चाइनीज़ राइस बनाने के लिए जब हम राइस इस्तेमालु करते हैं उसको आपने बॉयल करना होता है, कम भिगोना होता है, उसके बाद आप इसको छन्नी में फैला दें, छन्नी में पानी निकल जाए, फिर ट्रे में फैला दें, उसके बाद आप पंखे के नीचे रखें 3-4 मिनट, उसके बाद आप इसको यूज़ करें। ठंडे राइस चाइनीज़ में हमेशा इस्तेमालु होते हैं, मीडियम फ्लेम ते उनखे पचाईंदो, गजरूं नरम थी वेंदियूं, त पोइ तव्हां हिन में विझंदो चांवर, चांवर जो अटो या चांवर खीर में पिसाए विझंदो, उनखे पचाईंदो 5-6 मिनट, उनखां पोइ नंढे फोटनि जो पाउडर विझी छॾंदो, 1 चांहि जो चमचो, 10-15 नंढा फोटा कुटे छिलके सां गॾु, छिलके में ॾाढी ख़ुशबू हूंदी आहे बनिस्बत धाणनि जे, उहो विझण खां पोइ हिन में खंडु विझंदो 8-10 खाइण जा चमचा, काफ़ी हूंदी आहे 1 लीटर जे लाइ। खंडु विझी हाणे हिनखे मुसलसल पचायां पियो, हीअ 10-15 मिंटनि में पचंदी। ठीकु आहे, हाणे हिनखे कवर करे था छॾूं ताकी हल्की बाहि ते पचंदी रहे। अब इसको कवर कर रहा हूँ, रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे गजरेला बना रहा हूँ, शाही गजरेला खीर है। इसके लिए हमने 1 लीटर दूध लिया, 1 लीटर दूध को आपने बॉयल किया, उसके बाद आपने इसमें गाजर डाल दी 1 से 1.5 पाव, कद्दूकश करके छील के वॉश करके निचोड़ के वो डाल के 6-8-10 मिनट तक पकाते रहें। जब आप देखेंगे गाजर इसमें नरम होना शुरू हो गई हैं तो उसके बाद आपने इसमें चावल डाल देने, ठीक है, 1/2 कप जितने बॉयल हों या पिसे हुए हों या कच्चे हों, वो भी आप भीगे हुए भी डाल सकती हैं जैसे हम खीर में डालते हैं। उसके बाद ये जब गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा आपको पता चलेगा इसका टेक्सचर गाढ़ा होना शुरू हो गया, चम्मच चलाते रहें नीचे से खीर लग जाती तो उसका जला हुआ जायका आता वो नहीं आना चाहिए। उसके बाद आपने इसमें 1 कप यानी 8 से 10 खाने के चम्मच चीनी डाल दी, उसके बाद आपने इलायची का पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून से ज़्यादा डाला है, ये डाल के आपने हल्की आंच पे इसको पकाते रहना है। अभी हमारी खीर पक रही, मैं चूल्हा बिल्कुल हल्का करके इसको कवर कर रहा हूँ, नॉन स्टिक है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, लेकिन नॉन स्टिक नहीं है बर्तन तो आपने स्पून चलाते रहना वरना दूध जलना शुरू हो जाएगा। एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू करेंगे। वो इनके ढक दिनो है, तुम ढक ना दीजिए, अगर सड़ी ना वने नॉन स्टिक का था तो इनका सड़न दो ना, एक शॉर्ट ब्रेक वटूँ तो ब्रेक का पोची कंटिन्यू कर। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका रेसिपी ठही पई गजरेला, शाही गजरेला, मां हिनखे कवर करे छॾियो। शाही गजरेला बन रहा था, मैंने इसे कवर कर दिया था गाजर की खीर, लेकिन फिर कहूँगा कि आप लोग कवर, अगर सिल्वर के हम पैन यूज़ कर रहे हैं पतीले या कढ़ाई तो उसमें आपने कवर नहीं करना है क्योंकि वो नीचे से लगना शुरू हो जाती है खीर, ठीक है, चावल में स्टार्च होता है तो वो लगता है, निशास्ता होता है। यहाँ पर नॉन स्टिक यूज़ करता हूँ मैं बर्तन तो वो मुझे इतना ख़तरा नहीं होता कि ये लग रहा होता है, ठीक है। तो इतने हाँ इनके ये ऐसो घाटी थे शुरू थी, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है खीर, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे केवड़ा वाटर, केवड़ा वाटर या अरके गुलाब 1 खाने का चम्मच, अगर केवड़ा एसेंस है छोटी बॉटल में आते हैं तो वो 2 से 3 ड्रॉप डालिएगा, अगर ज़्यादा डाला तो ऐसा लगेगा कि आप परफ्यूम पी रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच डाल दिया है केवड़ा वाटर या अरके गुलाब, केवड़ा वाटर या अरके गुलाब विझंदो 1 खाइण जो चमचो, अगर अरके केवड़ा वाटर नथो मिले पोइ अरके गुलाब विझी सघो था, अदरवाइज़ केवड़ा वाटर मिली वेंदो आहे पाणी वारो। ऐं अगरि नंढी बोतल में एसेंस मिलंदा आहियूं ॾाढो घाटो हूंदो आहे त 2-3 कतरा विझो, न त इलाही तेज़ थी वेंदो, ज़ाइको इनजो ख़राबु थी वेंदो, इलाही वधीक ख़ुशबू अची वेंदी, खाई न सघंदो। केवड़ा वाटर डालने के बाद इसको 2 मिनट मिक्स करते हैं और फिर मैं चूल्हा बंदि कर दूंगा, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम,
जी अदा अस्सलाम वालेकुम वाले सलाम अदा तां फैसल है मिल जी फैसल गलाए पियो जी अदा मके रेसिपी पुछनी तां का वो तां उठायो ना चिकन चाइनीज चिकन हिंसा ठहन पे ना चाइनीज राइस हाँ दिस बस खीरणी जो खत्म थी तो है ना चाइनीज राइस स्टार्ट क्यों पे तो बस टीवी वट वो फॉरन ठीक है पान भी कंफ्यूज हो बई पान में मशवरों कर बुधा चाहण अच्छा इतने खीरणी तैयार थी पी ठीक है ये हो गई है तैयार बिल्कुल इजी बहुत ही मज़ेदार। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगा, केवड़ा वाटर डालने के बाद चूल्हा बंद कर देते हैं, दो चार मिनट इसको छोड़ेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए, हीट इसकी निकल जाए। इसके बाद हम इसमें एक कप फ्रेश क्रीम डालेंगे, और अगर फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप इस तरह भी खा सकते हैं, इस तरह भी बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही मज़ेदार होती है, लेकिन फ्रेश क्रीम से क्या होता है थोड़ा क्रीमी टेक्सचर बनेगा, बस ये फ़र्क आएगा। अगर फ्रेश क्रीम न था विझो ना है तव तो ज़रूरी न जे बगैर भी ही ॾाढी ज़बरदस्त खीरणी तैयार थी वई आहे। फ्रेश क्रीम का छा थींदो, सिर्फ़ क्रीमी टेक्सचर ईंदो, बाकी ही भी सुठी ठहियल है ठीक है। ज़रूरी न कि तव्हां परेशान थियो कि फ्रेश क्रीम न आहे त असां नथा ठाही सघूं। अब इसको रखते हैं साइड में, इसको स्पून चलाते रहें साइड में रखने के बाद ताकि इसकी हीट निकलती रहे और ये ठंडी हो जाए, आखिर में पिस्ता बादाम से इस तरह। अब हमने आना है चाइनीज़ पे, चाइनीज़ राइस। चाइनीज़ राइस बहुत तरीके के बनते हैं, एक होते हैं एग फ्राइड राइस, एक होते हैं वेजिटेबल फ्राइड राइस, एक होते हैं बीफ फ्राइड राइस, एक होते हैं प्रॉन फ्राइड राइस यानी झींगों के साथ बनते हैं, एक होते हैं फिश फ्राइड राइस वो भी बनते हैं मछली लोग डालते हैं, और एक होते हैं चिकन फ्राइड राइस। तो हम बना रहे हैं चिकन फ्राइड राइस और इसमें अंडे भी, ताकि आप लोग ईजी और मज़े से इंजॉय कर सकें। चाइनीज़ राइस जी काफ़ी सारी वैरायटी है चाइनीज़ चावल जी, झींगन सां गॾु भी ठहंदा, मच्छी सां गॾु भी ठहंदा, बीफ सां गॾु भी ठहंदा, ऐं बेदन सां गॾु भी ठहंदा, सिर्फ़ वेजिटेबल जा भी ठहंदा। मां ठाहियां पियो चिकन फ्राइड राइस। चिकन फ्राइड राइस अहिड़ी शइ आहे कि तव्हां हिनखे सादो बि ईअं बि खाई सघो था, सॉस जी ज़रूरत न आहे, चाहियो त चिली गार्लिक सॉस या केचअप थोरो थोरो हिन सां गॾु लॻाई खाई सघो था। बिल्कुलु ईज़ी ऐं मज़ेदार ही चाइनीज़ राइस आहिनि, ऐं थोरा मां चटपटा करे ठाहियां पियो ताकी तव्हां इंजॉय करे सघो। हिन जे लाइ जेके चांवर असां हिते खया आहिनि, चांवर तव्हां खणंदो टे खां चार कप चांवर पिसाए छॾिजो, 15 मिंट पाणी गरम कजो, 2 खां 3 जग 2.5 जग हुन में चांवर विझंदो, 6 मिंट चांवरनि खे बॉयल कजो, वधीक न, सुठा बासमती चांवर विझो। 6 मिंट बॉयल करण खां पोइ चांवरनि खे कढी छाणी में विझंदो, छाणी में विझण खां पाणी निकिरी वेंदो, थोरी देरि खां पोइ हुनखे वॾे ट्रे में या थाल में फैलाए छॾिजो। उन जे बाद तव्हां छा कंदो, पखे जे हेठि रखी छॾिजो ताकि चांवर सफ़ा थधो थी वञे, जो मॉइस्चर यानी जे अंदरि पाणी बिल्कुलु नमी न हुजे, ख़ुश्क हुजनि चांवर, या पोइ फ्रिज में रखी छॾिजो, फ्रिज में 2-3 कलाक पिया हूंदा या सॼी राति बि पिया हुजनि त ख़राबु नथा थियनि, सुठा जेतिरा थधा हूंदा जेतिरा पुराणा हूंदा चांवर, हिकु ॾींहुं पुराणा हुजनि त वधीक बेस्ट आहे, चांवर चाइनीज़ वधीक सुठा ठहंदा आहिनि। चाइनीज़ राइस के लिए जो हम राइस इस्तेमालु कर रहे हैं, 2 से 3 कप ले लें चावल, उसको आपने वॉश करके भिगो देना है 8 से 7 मिनट, उसके बाद आपने उसका बॉयल करना है, पानी फेंक के आपने फ्रेश पानी को बॉयल करें, 3-4 जग 2.5 जग जितना पानी लेके, पानी जब बॉयल होगा सॉल्ट वगैरह कुछ नहीं जाएगा, चावल डालें, 6 से 7 मिनट घड़ी पे नज़र रख के आपने बॉयल करना है, उसके बाद इसको निकाल देना है छन्नी में, पानी निकल जाएगा 4-5 मिनट, बीच में 1-2 दफ़ा स्पून चलाएगा ताकि इसकी स्टीम निकलना शुरू हो जाए, उसके बाद आपने इसको फैला देना है, बड़ा थाल हो, बड़ा सा ट्रे हो, बड़ा सा डिश हो, उस पर फैला दें चावलों को। फैलाने के बाद आपने पंखे के नीचे रख देना है 1-1.5 घंटा, और बीच बीच में स्पून चलाते रहें। असल चाइनीज़ का जो राइस होता है उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर होता है तो चाइनीज़ राइस जो होते हैं वो टूटना और चिपकना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फ्राइड राइस हैं तो इसको फ्राई किया जाता है चीज़ों के साथ, तो जितना पुराना होगा चावल ठंडा होगा उतना अच्छा लगेगा ठीक है। तो चावल को आप फ्रिज में भी रख के एक रात के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स में जो चावल बनते हैं चाइनीज़ के, वो 2-3 दिन तक बहुत सारे बल्क में 5-5, 8-8, 10-10 किलो फ्रिज में वो कंटेनर में लगा के रख देते हैं, तो वो ठंडे होते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसलिए चावल में नमी और मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे चावल हैं यहाँ पे 1 से 1.5 पाव के करीब होंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम वेजिटेबल्स जो यहाँ यूज़ करेंगे तो इनके साथ मिला के चावलों की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो आप जितने मेंबर्स हैं ये 4-5% के लिए चावल हैं ठीक है। ही 4 का 5 माणुला चावल हैं, इसमें हम डालेंगे बंद गोभी 1.5 कप जितनी, जूलियन कटिंग की भी आप छोटे क्यूब्स भी कर सकते हैं, 1 कप गाजर है जूलियन कटिंग की हुई है बारीक, 1 कप या 1 बड़ी शिमला मिर्च जूलियन कटिंग की हुई है ठीक है, बंद गोभी, पत्ता गोभी,
डेढ़ कप जेतरी खण जो ताकि इनका जायको सुठो इंदो एक कप जेतरी शिमला मिर्च एक कप जेतरी गजर ही बारीक पारचा थियल ठीक है पानी करी वो इतने आए थूम थूम ब खण के चमचन जी या डेढ़ खण के चमचे जी थूम या ब चाय के चमचन जी थूम छह का अठ गणी कुटे वो मोटी मोटी या बारीक चॉप कर छो लहसन गार्लिक आपने दो टी स्पून या थ्री टी स्पून आपने लेना है इसको आपने मोटा मोटा चॉप कर लेना है या कूटना है लहसुन से इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हमने क्या करना है यहाँ पे राइस की तैयारी करते हैं। ये देखिए खीर हमारी इस पर वो मलाई जमनी नहीं चाहिए बस ये करिएगा कि ऊपर कस्टर्ड में जैसे जम जाती वो लेयर ना जमे इसको ठंडा कर रहे हैं ठीक है। ये जब ठंडा होगा तो इसमें हम फ्रेश क्रीम मिलाएंगे। इसकी देखें स्टीम निकल रही है हाँ जी स्टीम निकले पाई ये अना थदी थी अना घाटी थी पॉइंट में क्रीम विझंदी हाँ असं चाइनीज़ राइस की तैयारी क्यों था। अच्छा चिकन इसमें हम डालेंगे क्योंकि चिकन फ्राइड राइस है जो चिकन फ्राइड राइस भी बता देता हूँ कि कैसे बनेंगे। इसके लिए हमने चिकन लेना है एक पाव बोनलेस सीने का ले लें या लेग का ले लें इस तरह स्ट्रिप्स में कटिंग किया हुआ है ठीक है। इन तरीके से स्ट्रिप्स में कटिंग थियल है चिकन पान कटिंग करे वो बारीक बारीक पारचा करे वो लंबाई में एक का डेढ़ पाव सीने जो या थाई जो पीस खड़ी वो लेग पीस खड़ी वो ठीक है बोनलेस है एक पाव के करीब। यहाँ पर हमने पैन गर्म करना है और इसमें हमने डालना है 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल 6 खाने का चमचा कुकिंग ऑयल। कॉल वठूं था अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन हो कहां से बात कर रहे हैं? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूं। जी हैदराबाद से बात कर रही हूं। जी कुछ कहना मेरा। जी कुछ कहना चाहेंगी? जी मैं रेसिपी पूछना चाहूंगी लब्बे शीरी की। लब्बे शीरी का लब्बे शीरी या गाजर का हलवा? गाजर का हलवा कल बनेगा आप देखिएगा ठीक है? ठीक है कल देखिएगा लब्बे शीरी भी इंशाल्लाह। मुझे आपका शो बहुत पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जजाकल्ला। कल देखिएगा गाजर का हलवा लब्बे शीरी फिर कमिंग वीक में बना देंगे ठीक है। ओके जी। अच्छा यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर हमारा गर्म हो रहा है ऑयल गर्म थे शुरू थी हो हम इसमें डालेंगे सबसे पहले क्या लहसुन ठीक है कुटावर लहसुन हम बना रहे हैं एक चिकन फ्राइड राइस वेजिटेबल फ्राइड राइस भी इसी तरह बनेंगे एग फ्राइड राइस भी इसी तरह बनेंगे प्रोसेस सेम होता है सिर्फ चिकन का जो होता है हम चिकन को पहले फ्राई करेंगे। वेजिटेरियन से अला वेजिटेबल राइस एंड वो भी यहाँ ठाना वेजिटेबल फ्राइड राइस इन्हीं तरीके से ठाईंदा ठीक है। अगर एग फ्राइड राइस ठाया हुआ है वो भी इन्हीं तरीके से ठाना चिकन फ्राइड राइस जो भी वही तरीका बस थोड़ा ही है कि चिकन के फ्राई करो। आप देखेंगे गार्लिक हमने इसमें डाला है तो गार्लिक की जैसे खुशबू निकल के आए जलना नहीं चाहिए लहसुन की खुशबू निकल के आएगी तो हम इसमें डाल देंगे चिकन। अब यहाँ पे मेरे पास एक पाव है बोनलेस चिकन है जूलियन कटिंग किया हुआ ठीक है। बोनलेस चिकन आए बारीक पारचन में कटिंग थियल एक पाव बोनलेस चिकन आए पारचन में कटिंग थियल थूम असा हल्की सी एतरी फ्राई कही कि थूम की खुशबू निकले चाहिए थूम सड़े ना ठीक है लहसुन जलना नहीं चाहिए बस इसकी खुशबू निकल के। इसके बाद आपने क्या करना है चिकन को तेज़ आंच कर दी मैंने चूल्हे की फुल और चिकन को हमने 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक फ्राई करना है। जब चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा चिकन का पानी अब निकल रहा है इसमें आप देख रहे हैं हीट पे पानी निकलना शुरू हो गया चिकन का पानी जब ड्राई हो जाएगा फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालना शुरू करेंगे। मुर्गी जो जेको पानी निकतो आए चिकन जो यो खुश्क करणो आए थूम से गड ही पचे पे ठीक है लहसुन के साथ पक रहा है तो ये आपने ड्राई कर देना। जैसे चिकन का पानी यहाँ पे ड्राई होना शुरू हो जाएगा तो हम क्या करेंगे फिर चिकन में और चीज़ें डालेंगे उसके बाद हम चिकन को निकाल लेंगे ठीक है। तो अब यहाँ पे चिकन हमारी फ्राई हो रही है 2 मिनट तक ताकि चिकन का पानी खुश्क हो जाए। अब मैं इसमें क्या क्या ऐड करूँगा वो आपने गौर से देखना है। चिकन के फ्राई कंदासी जैसे सजी मुर्गी जो कलर एक जड़ो थी वो चूल्हो तेज़ रखो है चाइनीज़ जो रेसिपीज ठंडी उनमें हमेशा तेज़ बाय होंगी ठीक है। चाइनीज़ रेसिपीज जब बनती हैं उसमें चूल्हा तेज़ होता आँच तेज़ होती तो उसमें बहुत अच्छा फर्क पड़ता है रेसिपी में। अब यहाँ पे पानी ड्राई होने लगा है चिकन बिल्कुल हमारी वाइट हो गई है तो हम इसमें क्या डालेंगे यहाँ पे चिली सॉस। चिली सॉस जो प्लेन वाला हम चाइनीज़ में यूज़ करते हैं वो हम इसमें डालेंगे कितना। अब मैं चूल्हा हल्का करूँगा चिकन के लिए ये डालेंगे इसमें 1 से 1.5 चाय का चम्मच भर के चिली सॉस प्लेन वाला चिली सॉस विजंदा से 1 का 1.5 चाय जो चम्मच। सफ़ेद सिरका भी हम इसमें डालेंगे 1.5 चाय का चम्मच 1.5 चाय जो चम्मच अच्छो सिरको 1.5 चाय जो चम्मच चिली सॉस कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून
अध चाय जो चमचो कुटियल गाढ़ा मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, ठीक है। चिली सॉस मैंने इसमें डाल दिया है 1.5 चाय का चम्मच और सफ़ेद सिरका 1.5 चाय का चम्मच। अब इस चिकन को तेज़ आंच पे हम फ्राई करेंगे। आने हैं चिकन के तेज़ बाहे ते फ्राई करना, से 3-4 मिनट आपने और फ्राई करना है। सिरका, चिली सॉस और कुटी हुई लाल मिर्च का इसमें फ्लेवर आएगा। अब हम यहाँ डालेंगे सॉल्ट 1/2 टीस्पून से कम, क्योंकि हम राइस में भी सॉल्ट डालेंगे तो 1/2 टीस्पून से कम नमक डालना है। अध चाय जे चमचे का घट ही में विंदो लून, ठीक है। लहसुन 6 खाने की चम्मच ऑयल गरम किया, 1 खाने की चम्मच इतना कुटा हुआ लहसुन या चॉप किया हुआ लहसुन डाला। लहसुन को ब्राउन नहीं करना है, खुशबू आने लगेगी। आपने चिकन डाल देनी है 1 पाव जितनी या 1.5 पाव भी डाल सकती हैं। 1 पाव चिकन जूलियन कटिंग डाल के चिकन को 3-4 मिनट फ्राई किया। सोया चिली सॉस 1.5 चाय का चम्मच, सफ़ेद सिरका 1.5 चाय का चम्मच, नमक 1/2 टीस्पून से भी कम और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल के इसको 3-4 मिनट 5 मिनट फ्राई करना है तेज़ आंच। ऑयल गरम कर 6 खाने जा चमचा, थूम कुटियल विधि 1 खाने जो चमचो, थूम जो खुशबू अचान लगे कलर चेंज ना थी मुर्गी जा पीसीस विधि छड़िया 1 का 1.5 पाव जितना 2 कप थी वा वो विझी 4-5 मिनट इनके फ्राई कर मुर्गी जो कलर जैसे चेंज थे लगो उनमें विझंदी। चिली सॉस 1/2 चाय जो चमचो, अछो सिरको 1/2 चाय जो चमचो, कुटियल गाढ़ा मिर्च 1/2 चाय जो चमचो, लूण 1/2 चाय जो चमचे का घट यो वी फ्राई करो और चूल्हो बंद कर छोड़ो। ये फ्राई हो गई चूल्हा बंद करके ये सब मैं निकाल दूंगा एक प्लेटर में। जब तक हम लेते हैं कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल, दुआएं आपकी ठीक ठाक हूँ। चिकन बिरयानी की वो रेसिपी बता दें। चिकन बिरयानी? ठीक है, ठीक है। चिकन कौन सी इस बिरयानी? चिकन बिरयानी। ठीक है, चिकन बिरयानी मैं नोट कर लेता हूँ, संडे को मैं बना दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है, संडे को देखिएगा, इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा चिकन बिरयानी। ठीक है, ओके जी, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। संडे को बना दूंगा मैं आपको बिरयानी, क्योंकि बार दफ़ा ये होता है ना लेट ऐसी चीज़ें, तो बिरयानी वगैरह। ये देखें चिकन हमारी फ्राई हो गई, गोल्डन सा इसका कलर आ गया है। मुर्गी फ्राई थी भी है डाडो, जो ज़बरदस्त गोल्डन कलर चाहिए। अब इसी ऑयल में, इसमें जो ऑयल बच गया है उसी ऑयल में हम लेंगे 2 अदद अंडे। ठीक है, 2 अदद अंडों को हमने फेंट लेना है। 2 अदद अंडे लिए और इसको मैंने बीट कर लिया। 2 अदद बेदा खाया आई, बेदन के हेते फेटे वठंदा से। ठीक है, अब चूल्हा ऑन करके अगेन हमने क्या करना है, ये फेंटे हुए अंडे इसके अंदर डाल देने उसी ऑयल में, गरम ऑयल में। 2 अदद बेदा फेटे साइन जी अंदर विझी चंदासी। ठीक है, 2 अदद अंडे मैंने बीट किए। अंडों को बीट करने के बाद आपने इसको फ्राई करना है, एग को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर वाइट आ जाए और पीसीस बनाने हमने इसके एग के। अब आप इसको तोड़ना शुरू करें। ठीक है, अंडा इस तरह फ्राई करने के बाद इसमें हम डालेंगे वेजिटेबल्स। अब इसमें स्पून चला रहा हूँ, जो गार्लिक था और जो चिकन का मसाला था सबका इस फ्लेवर इसके अंदर आ गया है। ठीक है, जो मुर्गी हुई आई जो थूम विधि हुई उन सब जो फ्लेवर, ये देखें अंडा इस तरह के कलर में आ गया है, ये देखें पीसीस में आ गया। इस अंडे को भी हमने जी, ब्रेक का टाइम आ रहा है, मैं इस अंडे को निकाल रहा हूँ एक अलग प्लेटर में। ठीक है, एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू करते हैं, जब तक मैंने चूल्हा बंद कर दिया। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हां साम्हूं जेको एग फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस चपियो, हुन जी चिकन मूं कढी छॾी, अंडो भी कढी छॾियो। ठीक आहे, 2 अदद बेदा हुआ, चिकन मैंने फ्राई करके निकाल दी थी ब्रेक पे जाने से पहले, और अंडे जो थे 2 अदद वो उसी ऑयल में फ्राई किए। आप देखेंगे अंडों पे भी कुटी हुई लाल मिर्च, और उसका वैसे जो एग फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस, जो चाइनीज़ फ्राइड राइस होते हैं वो हम सॉसेस के साथ होते हैं, मंचूरियन है और चिली गार्लिक है या चिकन विद चिली है, बहुत सारे डिफरेंट किस्म के सॉसेस के साथ वो सर्व होता है। वो सिंपल होते हैं, सादे होते हैं। ये मैं ऐसे बना रहा हूँ कि आप ये रूखे खा सकें। वो जो रेस्टोरेंट में होते हैं बिल्कुल वाइट वाइट से राइस होते हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता, टेस्ट नहीं होता। मीन्स के चिकन तो होती है, वो चाइनीज़ राइस तो होते हैं, लेकिन वो सॉसेस के साथ खाए जाते हैं। तो विदाउट सॉसेस खाने की वजह से मैं इसमें थोड़ा सा स्पाइसी टच दे रहा हूँ,
ताकि आप लोग इसको इस तरह भी खाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। साथ चिली गार्लिक सॉस होता है, टोमेटो केचप थोड़ा सा साइड में प्लेट में डालें, उसको मिक्स करके खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा आपको। ठीक है, तो ये सिंपल से बना रहा हूँ ईजी वे में। हिते जो चाइनीज़ राइस ठंड पे बिल्कुल आसान है, मज़ेदार वाला ठाया पे रेस्टोरेंट का थोड़ा डिफरेंट करी। ठीक है, अब जो इसमें ऑयल था, जिसमें हमने 6 टेबल स्पून जो ऑयल कंटिन्यू यूज़ करते आ रहे थे, वही है, मैंने ऑयल नहीं बढ़ाया। उसी में चिकन फ्राई हुआ, उसी में अंडे फ्राई हुए। अब उसी ऑयल में चूल्हा अगेन ऑन किया है, गर्म कर रहा हूँ ऑयल को। इसमें गाजर 1 कप जुलियन कटिंग, शिमला मिर्च 1 कप जुलियन कटिंग और 1.5 कप जितनी बंद गोभी जुलियन कटिंग, ये तीनों चीज़ें चली गई। 1 कप गजर, 1 कप शिमला मिर्च, 1.5 कप बंद गोभी। हुनी ऑयल में 6 खंड चमचा जो ऑयल हलो पे, हुनी में ही क्या पे ऑयल माँ चेंज ना करवा, मतलब ऑयल बधायो ना है, ऑयल मैंने बढ़ाया नहीं। उसी ऑयल में हमने ये वेजिटेबल्स स्टर फ्राई करनी है। ठीक है, 3 से 4 मिनट वेजिटेबल्स को फ्राई करना। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये गजरेला हमारा, देखें गाढ़ा हो गया। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम, यहाँ पे मेरे पास है फ्रेश क्रीम और ये गजरेला ठंडा हो गया, इसमें हम डाल देंगे फ्रेश क्रीम 1 कप या थोड़ा उससे कम, नहीं है तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। फ्रेश क्रीम इसमें मिला देंगे, बहुत ठंडी नहीं, हल्की सी नीम गर्म होनी चाहिए, हल्की सी नीम गर्म उजड़न खपे खिड़नी, फ्रेश क्रीम इसके अंदर आपने मिला देनी है अच्छे तरीके से। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त शाही गजरेला तैयार हो गया। ये दावतों में, गर्मियों में, अच्छा सर्दियों में अगर आप खाना चाहते हैं तो हल्का हल्का गर्म भी खा सकते हैं। ठीक है, फिर आप फ्रेश क्रीम मिला के कर सकते हैं, वैसे नॉर्मली ठंडा करके ही सर्व किया जाता है। ये देखें स्टर फ्राई हो रही है वेजिटेबल्स हमारी, भाजियों इतने स्टर फ्राई पैन पे हो, और इसको एक दफ़ा अच्छी तरह मिलाऊंगा ताकि क्रीम हमारी मिक्स हो गई। इसको बाद में हम डिश आउट करेंगे, इसको छोड़ दिया मैंने। यहाँ पे वेजिटेबल्स स्टर फ्राई हो गई जैसे, तो मैंने चूल्हा कम कर दिया। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे बॉयल्ड राइस, हमारे पास हैं 1.5 पाव 1 पाव जो आप जितने बॉयल करना चाहें। बॉयल्ड राइस हैं ठंडा, देखें दाना एक एक अलग हो रहा है, इस तरह आपको दिखा रहा हूँ, एक एक दाना इसका अलग है, इस तरह ठंडे होने चाहिए राइस। गर्म होंगे तो चिपकना शुरू हो जाएंगे सारे पतीले में, और मज़े के नहीं होंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे, खूबसूरती नहीं आएगी। ठीक है, इसको आपने वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करना है, नीचे से लगने नहीं चाहिए चावल। जी कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शोता सर, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं आप? अल्लाह जो शुक्र, अल्लाह जो शुक्र, ठीक ठाक था, ठीक है, सब घर में खैरियत था? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जो करमन ऐ माशाल्लाह, तां शो जी तारीफ करनी, डाडो जबरदस्त खायो क्या था। थैंक यू वेरी मच जी, तां के फरमाइश करनी हुई अम्मी के तरफा। बिल्कुल कयो अम्मी जे पे मच्छी जो हलवो खान से खा जो ता, ऐ उने के अलावा मुजी एकड़ी फरमाइश ही मच्छी जी टिक्की दी। मच्छी जी टिक्की ता टाई दिन, मच्छी जो हलवो ना खाओ तो बेहतर है। छो डाडो अजीब हुंदो है, मैं एक जगह खादो मुखे ता खैर कोन वड़ियो, मच्छी जो हलवे के ता फ्लेवर उनजी हुजे का स्मेल हुंदी और नथा खत्म कर सको, एडो मिठो करणो पइंदो उनके के ता जी स्मेल नथा खत्म कर सको। अच्छा अम्मी का पूछी जो किथे खादो आ या किथे बुधियो आ? ना अम्मी शायद बुधो हो या खादो, ते मुखे काई खबर ना है, बस मुखे चेन ता या फरमाइश कयो अदा जन के तमाचो मात। अच्छा बस मुंजी तरफा चेजो के मच्छी जी काफी सारी रेसिपीज ता के ठाण से कंदो, मच्छी जी हलवो प्लीज न खाजो। अच्छा हलो ठीक है, एंड बे एकरो क्वेश्चन है ता का जी, शामी कबाब मां ठाए रखनी है फ्रिज में अक्सर, वो जे का भी मतलब मां कोशिश करने हो तो ले जाए से टाइम मतलब रखी से ना माने घणी देर पे रखी से जानती उन के ता तकन 3 महीनन तई रखी सको ता 3 महीनन तक रखी से जानती। ओके अच्छा बकर भी हलवा वो खादा टेस्टी है। अच्छा मुझे वालदा चेती बसर जो हलवो ठाइन सिखा, बसर जो हलवो ठीक है, बसर जो हलवो मा ठाइन सिखा रंदम, ओ सुठो है, बसर जी खीरणी भी ठान दिया, ओ सुठी ठान दिया, ओ मा ठाइन सिखा रंदम। ठीक है जी, ठीक है, ओके थैंक यू, माशाल्लाह जो बस शो करयो पाए आज ता गजरे लो ठायो ता, यो मा जरूर ट्राई करना, जरूर बताए कॉल करे मा बुदाइनम त किए ठायो यो, जरूर थैंक यू, जजाक अल्लाह, पंजो ख्याल रखजो। ठीक है ओके जी। अच्छा मैंने चूल्हा बंद कर दिया था क्योंकि कॉल आ गई थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने डालने हैं जो चिकन फ्राई किया था। ठीक है, चूल्हा हल्का रखना है, तेज़ नहीं करना। चिकन जो फ्राई किया था ये सारा चला गया इसमें, जेतरो चिकन फ्राई कयो हे सजो हलियो विंदो। अंडा जो फ्राई करके रखा था ये डाल देंगे, बेदा जेका फ्राई करे रखा हुआ ये विझी छंदासी। ठीक है, चूल्हा बिल्कुल हल्का कर दिया ताकि नीचे से राइस लगे ना। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे हम डालेंगे चीनी, चीनी से
वाइट ना करें, चीनी डालें एक चाय का चम्मच, मिठास नहीं आएगी, फ्लेवर निकल के आएगा। एक चाय जो चमचो खंड विझो, खंड का फ्लेवर निकरी ही मिठास को नहीं दी, डाटो जबरदस्त चाइनीज में विझ भी आए चीनी। अच्छा, चिकन पाउडर जो हम अजीनोमोटो यूज़ करते थे चाइनीज सॉल्ट, वो पाकिस्तान में बैंड हो गया, बाकी दुनिया में भी काफ़ी जगहों पे बैंड हो गया, चाइना वगैरह में चल रहा है, तो उसके अल्टरनेट आप चिकन पाउडर यूज़ करें, वही फ्लेवर आता है। ठीक है, चिकन पाउडर इस्तेमाल करो, चाइनीज सॉल्ट, अजीनोमोटो है पाकिस्तान में बैंड थियल है, बेन मुल्कन में भी बैंड थियल है, न खाइंदा इन माण्हू छाकाणि त जॉइंट्स जो प्रॉब्लम कन पिया, चाइना वगैरह में हले पियो, लेकिन हिते असां चिकन पाउडर विझंदासीं उनजी जगह। हिकु खाइण जो चमचो चिकन जो पाउडर हाणे हर जगह मिले थो। चिकन पाउडर डालने के बाद चिकन की बोटियों में हमने हाफ टी स्पून से कम नमक डाला था, लेकिन अब राइस में नमक नहीं था, फीके थे, तो राइस में भी हम डालेंगे 1 टीस्पून लेवल में नमक, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक थोड़ा सॉल्टी सा होता है, तो लेवल में आपने एक चाय का चम्मच डाल देना है इसमें नमक। एक चाय जो चमचो लूण विझी छड़ियो। अब हम डालेंगे एक खाने का चम्मच सोया सॉस, एक टेबल स्पून सोया सॉस, ठीक है, एक खाने का चम्मच सोया सॉस, एक खाने का चम्मच हमने डाला चिकन पाउडर, एक चाय का चम्मच थोड़ा कम लेवल में भर के नमक डाल दिया, ठीक है, लूण एक चाय जो चमचो, घट थोड़ो, पूरा फुल भरे ना विझो, चिकन पाउडर एक खाइण जो चमचो या ब चाय जा चमचा, सोया सॉस कारो वारो जो पानी होंगे वो एक टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून। अब डालेंगे काली मिर्च का पाउडर या वाइट पेपर जो भी अवेलेबल हो, ठीक है, वो हम डालेंगे 1/2 टीस्पून, लेकिन नॉर्मल, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है क्योंकि कुटी हुई लाल मिर्च ऑलरेडी है। अध चाय जो चमचो कारा मिर्च, लेकिन अध चाय जो चमचे का थोड़ो हल्को लेवल घट में रखो, वधिक स्पाइसी वधिक ना थी वने तेज़ी ना चे, तब बिल्कुल तरीके से। अब ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको हमने करना है फ्राई, स्टर फ्राई। फ्राइड राइस का मतलब होता है फ्राइड राइस यानी फ्राई किए हुए, ठीक है, ये हमने 3-4 मिनट तक फ्राई करना है, दम पे नहीं लगाए जाते। चाइनीज़ राइस लोग क्या करते हैं, बना के नीचे तवा लगा के ऊपर से ढक्कन लगा के दम पे लगते हैं, वो बिरयानी की तरह उस तरह ना बनाए, तो फ्राइड राइस है, इसको आपने स्टर फ्राई करना है 3-4-5 मिनट तक, उसके बाद आपने इसको डिश आउट कर देना है। इसमें आपको सॉस वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई वेजिटेरियंस जेके आइन वो भी सागे तरीके से ठांदा, सिर्फ चिकन ना विझो, बेदो ना विझो, बाकी भाजियों इनमें मशरूम तो ऐड कर सको था, बी शयूँ ऐड कर सको था, ठीक है। वेजिटेरियंस हैं तो वो जस्ट वेजिटेबल के साथ बनाएं, अंडा ना डालें, चिकन ना डालें, तो सेम वही मेथड है, सेम तरीके से। एग फ्राइड राइस बनाने तो सिर्फ अंडे डालें, चिकन हटा दें, ठीक है, वेजिटेबल फ्राइड राइस होगा तो दोनों चीज़ें हट जाएंगी, बस ये फ़र्क होता है, बाकी तरीक़ेकार सेम होता है। हाँ, इनके थोड़ा बटरमिंट फ्राई कंदासी। अब हम क्या करेंगे, 2 मिनट के बाद इसमें डाल देंगे हरी प्याज 1 कप, 1 कप बारीक चॉप किया हुआ हरी प्याज की पत्तियां भी, और थोड़ा वाइट वाला, पूरा पार्ट नहीं डालिएगा, वाइट वाला मोटा वाला जो हिस्सा वो छोड़ दीजिएगा, जो वाइट डंडियां आ रही वो डाल दीजिएगा, ठीक है, ये आपने मिक्स करना है बस। अब चूल्हा बंद कर देंगे, हरी प्याज को हमने ज़्यादा गलाना नहीं है, अच्छा सा उसका कलर आएगा। ये हमारे फ्राइड राइस हो गए हैं, चिकन एग फ्राइड राइस ज़बरदस्त से तैयार, इसको हम करते हैं डिश आउट, ठीक है, ये मिला के और ये हमारी रेसिपी हो गई है कंप्लीट। इसको डिश आउट करते हैं, काउंटर थोड़ा क्लियर करते हैं, थोड़ा काउंटर क्लियर क्यों था, उनका खीरणी भी कटा तो रेसिपी में बार बार रिपीट कराई आई। सुभाणे असा ठाईंदासी छा गाजर जो हलवो आई, उनसा का सुठी जबरदस्त सी रेसिपी सियारे जे हिसाब से मां दिसंदम, जेके ताजी फरमाइशू रहजी हुई उनन में पूरी कंदासी, ठीक है, जो फरमाइशें रह गई हैं वो कंप्लीट करेंगे। कल गाजर का हलवे की बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी, तो कल गाजर का हलवा बनाऊंगा, ज़रूर देखिएगा, जिनकी जिनकी फरमाइश थी तो प्लीज़ अपनी नोट कर लीजिएगा जी। फ्राइड राइस हम निकाल देते हैं मिक्स करके गरम गरम, ये 4-5% की सर्विंग है, 4 प्लेटें भर के आराम से बन जाएगी, या 5 भी बन सकती हैं अगर नॉर्मल लेते हैं तो, ठीक है। मज़ेदार असांजा चिकन फ्राइड राइस तैयार थी भैया, इसी तरह बनाएं, और अच्छा प्रॉन्स के भी बना सकते हैं, जो झींगे खाते हैं शौक से तो वो भी इसी तरह बनेगा, प्रॉन फ्राइड राइस, ठीक है, वो भी बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, सेम तरीके से जैसे आपने चिकन को मैरिनेट करके बनाया फ्राई करके मसालों के साथ, उसी तरह आपने प्रॉन्स को भी करना है, ठीक है। प्रॉन फ्राइड राइस अगर खाए होता तो वो झींगन सा गड भी इन्हीं तरीके से ठान दो। ये हो गए हमारे राइस तैयार, थोड़ा सेट करते हैं, कटूँ था गजरीला। ये हरी प्याज जो बच गई थी इसके मैंने बना लिए हैं फ्लावर्स,
पानी में डिप कर दें कट्स लगा के, तो बड़े ज़बरदस्त इसके फ्लावर बन जाते हैं। ठीक है, पानी में कट लगाए तव कौ पिसाइंदो तो ही ढा सुठा सा फ्लावर ठही वेंदा इस तरह। देखें कितने खूबसूरत से फ्लावर्स बन गए। अब इसके बाद हम निकालते हैं गजरेला। गजरेला हमारा ज़बरदस्त तैयार हो गया। इसको मिक्स किया क्रीम के साथ और इसको भी हमने डिश में निकाल देना। ठीक है, गजरेला से तैयार थी इनके स्लाइस बादाम पिस्ता जो ड्राई फ्रूट तट हो उन गर्द सर्व कर चलो। ठीक है, इससे गार्निश कर दें पिस्ता बादाम जो आपके पास हो बारीक बारीक चॉप करके। कल सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा कुकिंग विद शेफ एसएम मेरा पेज है, वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिन टीवी HD कुकिंग शो। व्हाट्सअप नंबर है मेरा 03142675311, 03142675311। कोई भी मैसेज करना हो, कुछ पूछना हो तो आप वॉइस मैसेज भी करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल गाजर कलवा बनाएंगे और मज़ेदार कोई रेसिपी बनाएंगे इंशाल्लाह। सुभाणे 9 बजे रिपीट हलंदो कुकिंग विद शेफ एसएम जो पेज हो तो रेसिपी अपलोड थी वेंदी आहे। ऐं व्हाट्सअप नंबर आहे 03142675311, हुन ते मैसेज करे सघो था, वॉइस मैसेज करे सघो था, का रेसिपी पुछणी जे पुछी सघो था। पंहिंजो खोड़ सारो ख़्याल रखिजो। सुभाणे गाजर जो हलवो ठाहींदासीं, हिकु मज़ेदार रेसिपी ॿी बि ठाहींदासीं। तेसिताईं दुआ में रखिजो। अलाह हाफ़िज़।